महिला हॉकी विश्व कप 2022 के लीग चरण के सभी मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और अब चार टीमों के नाम क्वार्टर फाइनल के लिए तय हो चुका है। चार टीमें क्रॉसओवर मुकाबले से चुनी जाएगी, लेकिन अब लीग चरण के आधार पर जो अपने अपने ग्रुप में टॉप पर टीमें रही वो टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई है। बाकी चार टीमें क्रॉसओवर मुकाबले से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी वो चार टीम है जो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई है और भारत का क्वार्टर फाइनल में जाने का रास्ता अब कितना आसान और कितना कठिन होने वाला है, उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ग्रुप ए से नीदरलैंड की टीम शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई। वहीं ग्रुप बी में न्यूजीलैंड की टीम 7 अंक लेकर शीर्ष पर रही और यह भी सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई। ग्रुप सी में अर्जेंटीना की टीम अपने सभी मुकाबले जीतकर 9 अंक के साथ शीर्ष पर रही और यह भी सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने में सफल रही। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने तीनों मुकाबले जीतकर 9 अंक के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर रही और शीर्ष स्थान हासिल करने के साथ ही उसका भी सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश हो गया। भारतीय टीम अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रही, इस कारण भारत को क्रॉसओवर मुकाबले में स्पेन के खिलाफ उतरना पड़ेगा। अगर भारतीय टीम अपने क्रॉसओवर मुकाबले में स्पेन के खिलाफ जीत हासिल करती है तो भारत के लिए भी क्वार्टर फाइनल का दरवाजा खुल जाएगा। इस मैच से संबंधित सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।